नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी की कक्षा में। मैं मनोज खंडेलवाल आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी घर पर रहकर स्वस्थ रहकर के हमारी वीडियो का आनंद ले रहे होंगे। मित्रों, हमने गद्य का जो दो पार्ट स्टार्ट कल किया था और पार्ट का नाम था बाजार दर्शन। इस पाठ की भूमिका अपन बना चुके थे, सार सार अपन पढ़ रहे थे, इसके लेखक का परिचय अपन बता चुके हैं जब हमने सिलेबस का विस्तार से वर्णन किया था। सिलेबस के बारे में अपन डिस्कस कल की वीडियो में कर ही चुके हैं। आप सबको थोड़ा थोड़ा सा जितना हमने कोशिश की उतना बताने की, आपको भरपूर मात्रा में कोशिश की, पता लग गया होगा आपको क्या क्या आया। आइएगा, इस पाठ को आज पूरा कर लेते हैं। हम चले थे कल इस पाठ के सार लेखक एक मित्र का बात बता रहा है कि वो लेखक कह रहा है कि मेरा मित्र बाज़ार से कुछ सामान लेने गया, कुछ सामान, लेकिन वो खरीद के बहुत सारा बंडल का बंडल ले आया। जब मैंने उससे पूछा तो उसने कहा इसमें मेरी कोई बात नहीं थी, ये तो ये नहीं मानी, ये मतलब पत्नी। तो लेखक मानता है कि सारे पुरुष लोग ऐसे कामों में पत्नी की वोट लेते हैं। लेखक बता रहा है कि बाजार का एक आकर्षण होता है। क्या होता है आकर्षण? जब भी बाजार की चकाचौंध होती है, सजावट से भरी सब वस्तुएं रखी होती हैं, उन चकाचौंध से भरी वस्तुओं में हम खो जाते हैं, बाजार की आकर्षकता में हम खो जाते हैं। आकर्षण बाजार का हमें बांध लेता है और हमें पता नहीं लगता कि हम जो वस्तुएं खरीद रहे हैं वो हमारे लिए लाभकारी हैं या नहीं है, बाद में हमें पछताना पड़ता है। लेखक एक अन्य मित्र का भी उदाहरण लेता है कि मेरा एक मित्र सामान लेने गया, लेकिन बाद में जब लौट के आया तो खाली हाथ लौटा। जब मैंने उससे कहा कि तू क्यों खाली हाथ लौट के आता, उसने कहा कि जब बाज़ार में जिस वस्तु को भी देखता था तो सारी वस्तुएं मुझे ऐसा लगती थी कि सारी वस्तु मुझे लेनी चाहिए थी, सबकी मैं खरीदना तो चाहता था लेकिन मेरी चाह का पता नहीं था, इसलिए मैं कोई भी वस्तु खरीद करके नहीं लाया। लेखक आगे बता रहा है कि बाजार का एक जादू होता है। बाजार की जादू आँख का राह का काम करता है, लेकिन इस बाजार के जादू की एक मर्यादा है। ये बाजार का जादू हर कंडीशन में नहीं चलता, एक ही कंडीशन में चलता है। कब चलता है? जब जेब भरी हो और मन खाली हो। लेखक ने बताया कि बाजार के जादू से बचने का एकमात्र उपाय यही है कि मन खाली नहीं होना चाहिए। अगर मन हमारा खाली है तो जेब चाहे भरी हो चाहे खाली हो, बाजार का जादू चलता है। फिर बताया था खुला मन और बंद मन। बंद मन से आकर्षण है शून्य का भाव हो जाना। और लेखक ने कहा है कि मनुष्य अपूर्ण है, इस बात का ज्ञान जिसको हो जाता है वही पूर्ण ज्ञान है, और अपूर्ण है तो हम शून्य नहीं हो सकते, क्योंकि शून्य होने का अधिकार केवल परमात्मा को है। इसलिए इच्छाओं का हमें दमन करना नहीं चाहिए, इच्छाओं की हमें सुननी चाहिए, लेकिन फिर भी मन को हमें मनमानेपन की छूट नहीं देनी चाहिए। यहाँ तक अपन बता चुके थे। आइएगा, आज हम भगत जी, चूरन वाले भगत जी की बात करते हैं। हाँ भाई, भगत जी का उदाहरण देता है तो एक चूरन वाले भगत जी की बात करता है लेखक। चूरन वाले भगत जी, लेखक कहता है कि मेरे पड़ोस में एक भगत जी थे जो चूरन बेचने का काम करते थे। पड़ोस में थे, प्रतिदिन चूरन बेचने जाते थे, और वो चूरन जो बेचते थे इस काम में प्रतिदिन 6 आना, 6 आने का चूरन बेचते थे। अब 6 आने का चूरन, पहले जमाने में आने चलते थे, 1 रुपये में 16 आना होते थे, जिस 25 पैसे में 4 आने, 98 में 8 आना, 75 में 12 आना, तो 6 आने का चूरन मनुष्य बेचता था, इससे ज़्यादा भी कमाते नहीं थे। फिक्स समय था, नियत समय था, फिक्स नियत समय पर घर से चूरन बेचने निकलते। नियत समय पर घर से चूरन बेचने निकलते थे, फिक्स समय था, 6 आने से ज़्यादा का चूरन वो 6 आने से ज़्यादा वो 6 आने का चूरन सॉरी चूरन तो वो काफ़ी बेचते थे, लेकिन कमाई कितने की करते थे? वो हमेशा 6 आने की कमाई करते थे, इससे ज़्यादा की वो कमाई नहीं करते थे।
इतना अगर वो कमा लेते थे उसके बाद चूरन उनका हाथों हाथ बिक जाता था, लेकिन उस चूरन की वो कोई पैसे नहीं लेते। नियत समय पर चूरन की पेटी कांख में दबा लेते थे और घर से निकल जाते थे। छः आने की कमाई होते ही, जैसे ही छः आने की कमाई हुई तो बाकी जो चूरन था वो बच्चों को मुफ्त बांट देते थे। बाकी चूरन जो था वो बच्चों को मुफ्त में बांट देती थी। इस तरह भगत जी पर बाजार का जादू नहीं चलता। लेखक बता रहा है कि कभी भी ये जो लेखक भगत जी हैं ये पेशगी ऑर्डर नहीं लेते। और पेशगी ऑर्डर जानते हैं, एडवांस ले लेना किसी भी चीज़ से। इतना फेमस था उनका चूरन कि अगर वो चाहते एक जगह दुकान बैठ करके चूरन बेचते तो काफ़ी पैसे वाले हो जाते। अगर वो चाहते, काफ़ी दुकानदार उनसे कहते तुम क्यों बेचते हो सारा चूरन, जितना भी था तोगने चौगने आठ गुने दामों पर हमें दे दिया करो एक ही जगह, काफ़ी पैसे वाले हो जाते। लेकिन नहीं, उन्हें जितना आनंद बच्चों से जुड़ाव में घर घर होता था उतना किसी से हो नहीं पाता था। लेकिन छः आने से ज़्यादा वो कभी चूरन उन्होंने बेचा नहीं। जैसे चूरन बेचने वो निकलते थे तो जैसे चूरन बेचने निकलते थे हाथों हाथ उनका चूरन बिक जाता था। लेकिन इतने संतोषी थे कि कभी भी उन्होंने छः आने से ज़्यादा पैसा अपने जेब में नहीं रखा। इतना बचा छः आने का, जैसे ही बिक गया तो बाकी का चूरन वो बच्चों को मुफ्त में बांट देते थे। इस तरह भगत जी जैसे लोगों पर बाजार का जादू नहीं चलता। और प्रश्न आता है कि कैसे लोगों पर बाजार का जादू नहीं चलता, तो भगत जी जैसे लोगों पर पैसे का बाजार का जादू नहीं चलता। लेखक ये कह रहा है कि कैसे नहीं चलता कि भगत जी जब भी कभी बाजार में जाते थे तो उन्हें जिस चीज़ की आवश्यकता थी, जैसे काले जैसे नमक, उन्हें जीरा नमक चाहिए था चूरन बनाने के लिए, तो जैसे वो बाजार में जाते थे तो उन्हें जिस चीज़ की आवश्यकता थी उस दुकान पर गए, सामान लिया और वापस आकर बैठ चले जाते थे। ये नहीं कि वो बंद आँखों से बाजार में जाते थे। जब भी कोई उनका रिलेटिव या के जानकार वाला बाजार मिलते तो सबसे वो राम राम करते थे। इस तरह हम कह सकते हैं वो खुली आंखों से बाजार जाते थे। लेकिन कभी भी कहते उन पैसे की जो शक्ति थी उन पर कभी भी इठलाई नहीं। कहते उन पैसा जो था उनसे ये कहता था भगत जी मुझे ले लो, लेकिन कभी भी उन्होंने पैसे को हाथ से छुआ नहीं। इस तरह पैसे की जो शक्ति थी वो इठला करके रह जाती थी, कुंठित हो जाती थी। वो बाजार के आकर्षण, तमाम आकर्षण थे वो सब देखते थे, बाजार की चकाचौंध भरी दुकानों को देखते थे, लेकिन कभी भी उनका मन उन चकाचौंध भरी रोशनी में नहीं फंसा। वो जिस चीज़ की उन्हें आवश्यकता थी उतना ही लेते थे और वापस लौट करके आ जाते थे। उनके सामने बाजार की जो आकर्षण रूपी शक्ति थी वो धरी की धरी रह जाती है। इस तरह वो कभी पेशगी ऑर्डर नहीं लेते क्योंकि उन्हें चूरन बेचने में जो सुख की अनुभूति होती थी बच्चों से खुद अपने जुड़ाव की, वो इस पेशगी ऑर्डर में नहीं होती थी। हालांकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ अगर वो चाहते तो खूब पैसे वाले हो सकते थे क्योंकि उनका चूरन बड़ा फेमस था। अब बात कभी ये कह रहा है कि पैसे में व्यंग शक्ति होती है, पैसे में व्यंग शक्ति है, चूरन वाले भगत जी की बात है। अब लेखक एक चूरन वाले पैसे की व्यंग शक्ति की बात कर रहा है कि पैसे में कितनी व्यंग शक्ति होती है। मनीष पावर, पैसा पावर है। देखो कितनी शक्ति है। लेखक यहाँ एक उदाहरण भी देता है, सब पैसे की व्यंग शक्ति की बात कर रहा है। देखो क्या करना है। लेखक बताता है कि पैसे की जो व्यंग शक्ति है ना वो बड़ी दारुण होती है। साहब कैसी होती है? दारुण कष्टदायक होती है। लेखक अपना अनुभव बताता है कि एक बार की बात है कि मैं पैदल चल रहा था तो उस पैदल जैसे ही मैं चल रहा था तो सामने से काले शीशों की गाड़ी, कुछ मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, काले शीशों की गाड़ी सामने मेरे बगल में होकर के निकल गई। रास्ते में कीचड़ था तो जैसे ही मैं साइड में पैदल चल रहा था तो बगल वाली जो गाड़ी थी उस कीचड़ में पहिया उसका धंसता हुआ बहुत स्पीड में जाता हुआ चली गई और उस पहिए से जो कीचड़ उछटी वो मेरी शर्ट पर लग गई। मैंने उसे काफ़ी बला बुरा कहा, तब जाकर एकदम आगे जाकर एक अचानक ब्रेक लगी और उसमें से एक मैडम उतर कर निकल कर आई और उसने कहा तू तो गरीब है इसलिए तेरे
शर्ट पर धब्बे लग गए हैं। अगर तू हमारी तरफ ऐसे वाला होता तो कभी भी रोड पर पैदल नहीं चलता और तेरी शर्ट जो है कभी भी गंदी नहीं होती। तो लेखक बता रहा है हाँ, ये जो पैसा है ये हमें जिन्होंने हमको जन्म दिया है, उनको भी ये मन से गाली दिलवा देती है। कैसे दिलवा देती है कि यही माँ बाप मिले थे क्या जिनके हमें भगवान तूने पैदा किया? तो पैदा करने वालों को भी ये जो पैसा है ये हमारे मन से गाली दिलवा देता है। तो पैसे में बड़ी व्यंग शक्ति होती है। तब मन मेरा कटोच करके रह जाता है कि काश मेरा जन्म भी किसी मोटर वाले के घर होना चाहिए था। हे प्रभु, मेरा जन्म मोटर वाले के घर क्यों नहीं हुआ? ये व्यंग शक्ति अपने सबों के प्रति भी कृतज्ञ बना सकती है। पैसा जो है अपनी बहुत बड़ी लाइन है। सगों के प्रति कृतज्ञ बना सकती है। कृतज्ञ का मतलब एहसान को ना मानने वाला। दो शब्द होते हैं कृतज्ञ और कृतज्ञ। कृतज्ञ कहते हैं एहसान को मानने वाला और कृतज्ञ कहते हैं एहसान को ना मानने वाला। गाँव कहावत है ना कि जाको खायो अन्न पानी बाकी करो आवरदानी, जाको खायो अन्न पानी कर दो बेटा की धूर धानी। ये कृतज्ञ हमें अपने सब अर्थात जिन्होंने हमको जन्म दिया, माँ बाप जो हमारे थे उनके प्रति भी हमारे मन में निराशा गाली का भाव हो जाता है कि प्रभु क्यों नहीं मुझे भी तूने उस मोटर वाले के यहाँ पैदा किया, होता तो आज मेरे साथ ये घटना घटित नहीं हुई होती, मेरी शर्ट गंदी नहीं होती। इस तरह पैसे की व्यंग शक्ति बड़ी दारुण होती है। अपने सगों के प्रति भी कृतज्ञ बना जाती है, परंतु उस चूरन वाले भगत जी के सामने, उस चूरन वाले भगत जी के सामने पैसे की जो व्यंग शक्ति है ये पानी पानी हो जाती है। शर्म के मारे पानी पानी। क्यों? क्योंकि पैसा पड़ा है और पैसा कहता है कि मुझे ले लो। बाजार का चकाचौंध आपसे ये कहता है कि एक बार मुझे देखो, मैं तुम्हारे लिए ही तो बनाऊं। अरे मैं ये नहीं कहता कि तुम मुझे खरीद लो, लेकिन कम से कम एक बार मुझे देख तो लो, देखने में तुम्हारा क्या जाता है। परंतु चूरन वाली भगत जी के सामने उनकी ये शक्ति भी धरी के धरी रह जाती है, तो उनकी शक्ति पानी पानी हो जाती है। इस तरह लेखक बता रहा है कि पैसे की जो व्यंग शक्ति बड़ी खतरनाक होती है। लेखक एक आगे उदाहरण भी देता है कि हर जगह पैसा काम नहीं आता। लेखक बता रहा है एक बहुत बड़ा पैसे वाला सेठ था जो हर चीज़ को पैसे से खरीदने की क्षमता रखता था। उसके मन में एक ख्याल था कि मैं सब कुछ खरीद सकता हूँ। किसी को वो अपने सामने कुछ समझता नहीं था। लेकिन एक दिन की बात है कि उसका बेटा बीमार हो जाता है। मित्रों, अब पैसा उसके पास था, दुनिया के तमाम डॉक्टरों को उसने दिल्ली मुंबई कलकत्ता चेन्नई सारी जगह दिखा लिया, लेकिन फ़ायदा नहीं पड़ा। पैसे का गुरूर था। मित्रों, वो अपने बेटे को विदेश ले गया, अमेरिका ले गया फ्लाइट के माध्यम से, लेकिन वहाँ उसका पैसा काम नहीं आया। और मित्रों, तमाम पैसा होते हुए भी उसका बेटा मर गया। दुनिया का कोई भी डॉक्टर उसके बेटे को नहीं बचा पाया। यहाँ उसका पैसा काम नहीं आया। तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि प्रत्येक काम पैसे से होते, कि जो काम दवा से नहीं होता वो काम दुआ से होता है। किससे होता है? दुआ से। जो काम दवा से नहीं होता वो काम दुआ से होता है। इसलिए हमें दुआ करनी चाहिए किसी के भी प्रति हमें बुरा भाव अपने मन में नहीं रखना चाहिए। हमें हमेशा सबके प्रति दुआ का भाव रखना चाहिए। तो लास्ट चरण पर अपन चल रहे हैं कि बाजार की सार्थकता किस में है। देखो, बाजार की सार्थकता किस में है? कैसे लोग बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं, अर्थात वे लोग कौन से हैं जो असली में सही रूप में वास्तविकता में बाजार की भूमिका को बढ़ाते हैं, और वे कौन लोग हैं जो बाजार की
महत्ता को, बाजार की सार्थकता को कम करते हैं। तो बताया है, कभी बता रहा है कि वही मनुष्य बाजार को सार्थकता देता है। कैसे मनुष्य, यहां से प्रश्न बनता है कि कैसे मनुष्य बाजार को सार्थकता देते हैं। तो वह मनुष्य जो जानता है, जो जानता है कि वो क्या चाहता है, ऐसे मनुष्य जो जानता है, ऐसा मनुष्य जो जानता है कि वह क्या चाहता है, जिसको पता है कि मुझे क्या चाहिए, तो बाजार में गया और बाजार से वही चीज खरीद करके लाया, क्योंकि वो उसकी जरूरी वस्तु थी। ऐसे लोग ही बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं। और जो अपनी परचेजिंग पावर के गर्व में रहते हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। परचेजिंग इंग्लिश शब्द है, परचेजिंग पावर, परचेजिंग पावर, क्रय शक्ति, क्रय शक्ति अर्थात खरीदने की क्षमता। मेरे जेब में बहुत पैसा है और सामने वाले के जेब में पैसा कम है, उसको वो इम्पोर्टेंट थी वस्तु, वो कम पैसे में आ सकती थी, लेकिन मैंने अपने पैसे के गर्व में आकर उस पैसे को, उस वस्तु को ज़्यादा पैसे में खरीद लिया, लेकिन वो बिना पैसे वाला जिसके पास कम पैसे था वो उस वस्तु को नहीं खरीद पाया। ऐसे लोग बाजार को सार्थकता प्रदान नहीं करते। जो लोग पैसे की परचेजिंग पावर के गर्व में रहते हैं, वो बाजार को व्यंग की शर्त, परचेजिंग पावर के गर्व में बाजार को व्यंग शक्ति, विनाशक शक्ति प्रदान करते हैं। प्रदान करते वे लोग जो पैसे गर्म होकर के सामने सारी वस्तुएं खरीदने की क्षमता रखते हैं, इस घमंड में वो बाजार की व्यंग शक्ति को बढ़ावा देते हैं, विनाशक शैतानी शक्ति देते हैं। वे बाजारूपन, यह शब्द आता है बाजारूपन अर्थात कपट बढ़ाते हैं। ऐसे बाजार में ग्राहक का और दुकानदार का जो संबंध होता है वो आपस का नहीं होता। दुकानदार का उद्देश्य, दुकानदार का सार्थकता इसमें कि ग्राहक को उसकी संतुष्टि को प्रदान करने वाली वस्तुएं प्रदान करे, लेकिन ऐसे बाजार में दुकानदार ग्राहकों को ठगने की कोशिश में लगे रहते हैं, और ग्राहक जो होता है वो ये सोचता है कि इस दुकानदार को किस तरह ठगा जाए। तो वो लोग कभी भी बाजार को सार्थकता प्रदान नहीं कर सकते, और कपट बढ़ाते हैं और सद्भाव घटाते हैं। कपट बढ़ाते हैं, सद्भाव घटाते हैं, कपट बढ़ाते हैं और सद्भाव घटाते हैं। ऐसे लोग बाजार जो हैं, ऐसे जो बाजार जिनकी अपन बात कर रहे हैं, ये ऐसे बाजार मानवता के लिए क्या है, विडंबना है, सोचा नहीं था। ऐसे बाजार मानवता के लिए क्या है मित्रों, विडंबना। मानवता के लिए क्या है ऐसे बाजार, विडंबना है। कभी ये बता रहा है, ऐसे बाजार का पोषण करने वाला जो अर्थशास्त्र है, ऐसा शास्त्र जो ऐसे बाजार का अध्ययन कर रहा है, जो ऐसे विडंबना वाले बाजार का अध्ययन करता है, पोषण करता है, ऐसे बाजार का पोषण करने वाला अर्थशास्त्र, ऐसे बाजार का पोषण करने वाला अर्थशास्त्र, ऐसे बाजार का पोषण करने वाला अर्थशास्त्र, प्रश्न आता है कैसा अर्थशास्त्र, सरासर आंधा। ऐसा अर्थशास्त्र सरासर आंधा, मायावी, ध्यान रखना, सरासर आंधा, मायावी और अनीति शास्त्र। कैसा अर्थशास्त्र, अनीति शास्त्र है। कैसा, ऐसा अर्थशास्त्र जो बाजार की सार्थकता ना बढ़ाने का अध्ययन करता है, पोषण करता है,
ऐसा अर्थशास्त्र जो अध्ययन करता है ऐसे लोगों का जो परचेजिंग पावर के घर में रहकर के बाजार की विनाशक शक्ति को बढ़ाते हैं, ऐसे बाजार का पोषण करने वाले अर्थशास्त्र सरासर आना मायावी और अनीति शास्त्र। मित्रों, लेखक ने बाजार की असली कृतार्थता किस में बताई थी? बाजार की असली कृतार्थता क्या है? बाजार का उद्देश्य क्या है? बाजार का उद्देश्य यह है, आवश्यकता के समय काम आना। आवश्यकता के समय काम आना ही बाजार की असली कृतज्ञता है। भगत जी ने कभी चूरन बेचकर छे आने से ज़्यादा नहीं कमाए। क्यों नहीं कमाए? क्योंकि वे आधुनिक मार्केटिंग नहीं जानते थे। नो, वे संतोषी थे, इसलिए और अधिक कमाना नहीं जानते। बाजार का जादू किस राह से काम करता है? आँख की राह से। किस समय बाजार ना जाने की सलाह दी? लेखक ने सलाह दी कि जब मन खाली ना हो, जब मन खाली ना हो तब बाजार मत जाओ। चूरन वाले भगत जी का जीवन हमें क्या शिक्षा देता है, इसको ध्यान रखना कि चूरन वाले भगत जी के जीवन से हमें शिक्षा मिलती है कि बाजार की चकाचौंध से व्यर्थ में आकर्षित मत हो। और एक प्रश्न है, परचेजिंग पावर से आप क्या समझते हैं? परचेजिंग पावर का मतलब है पैसे की क्रय शक्ति या पैसे की प्रचुरता से ज़्यादा मनचाही वस्तुएं खरीदना। मित्रों, जो लोग बाजारूपण बढ़ाते हैं उनसे क्या प्रतिकूल असर पड़ता है? उनसे ये प्रतिकूल असर पड़ता है कि अनावश्यक वस्तुओं की भी खरीदारी करते, इस कारण बाजारवाद, छल कपट, लूट खसोट, अनावश्यक मूल्य लेना आदि शैतानी प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिल जाता है और ऐसे बुरा प्रभाव बाजार पर पड़ता है। मित्रों, ये पाठ यहाँ होता है समाप्त। इसके प्रश्नोत्तर एक दिन में आपको डाल देंगे। वैसे छोटे छोटे प्रश्न में आपको कल बोर्ड पर जैसे पहले पाठ में कराए थे वो कल में कराने की कोशिश करूँगा। मित्रों, आप पढ़ते रहें और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर लिखा करें मित्रों, ताकि हमें भी लगे कि हम सही पढ़ा रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।